पहले तो ये कहूँगी कि यूपीएससी देना एक या आईएएस बनना कहूँगी, एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है परीक्षा, किस स्तर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है, तो वो पढ़ने के बाद, जानने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उसे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। और कैसे, जैसे मैं हूँ अगर उस पर कि कैसे मैं कर पाई, तो आई थिंक हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, 5 से 6 घंटे देना हर रोज़ डिसिप्लिन के साथ, और खुद पे एक भरोसा रखना कि हाँ हम कर सकते हैं और लिस्ट में आ सकते हैं। तो वो भरोसा मेरे ख्याल से बहुत, आई थिंक 50 से 60% वो ही काम कर जाता है। जब मुझे पता चला कि मेरी 5th रैंक आई है, जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हूँ, तो मैं थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि पिछली बार से देखा जा रहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे हमेशा कोई ना कोई लड़की या महिला रहती है। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा और बेटर अगर मेरी रैंक हो पाती तो मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट उनके उससे वो आ पाती, उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बाकी ओवरऑल तो काफ़ी खुश हूँ रिजल्ट से। मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो बताऊँगी, कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHEL से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया LNCT से केमिकल इंजीनियरिंग में, और मैं 2018 यानी लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई हूँ, और उसके बाद बस मैंने परीक्षा दी और जैसे कि भगवान आपने की तरह बताया से कि उत्तीर्ण हुई। आपने